बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अनूप जालोटा के घर से जाने के बाद जसलीन को ये पता चला कि अनूप जालोटा ने बाहर जाकर ये कहा कि उनका और जसलीन का कोई रिश्ता नहीं है और इस बात को लेकर जसलीन काफी परेशान थी। और अब बिग बॉस ने अनूप जालोटा और जसलीन को अपना रिश्ता सुधारने का एक और मौका दिया है, क्योंकि आज वीकेंड का वार में बिग बॉस ने जसलीन और अनूप जालोटा की एक डेट फिक्स करवाई है। उन दोनों की मुलाकात की गयी जिसमे भी अनूप जालोटा ने यही कहा कि उनका और जसलीन का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का है, उनके दिल में जसलीन के लिए वो प्यार वाली फीलिंग्स है ही नहीं। जसलीन ने अपने सारे सवालों के जवाब उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा, कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ फील ही नहीं था तो आपने मुझे कंफ्यूज ही क्यों किया, आपने हम दोनों के बीच में कुछ क्लियर नहीं रखा और शायद इसी वजह से मुझे गलतफहमी हुई कि आप मुझसे प्यार करते थे। लेकिन अनूप जलोटा ने कहा कि मेरा और इसका रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का है। सलमान खान ने भी अनूप जलोटा से पूछा, आप और जसलीन 3-4 सालों से एक रिश्ते में हैं, क्या ये बात सच है या फिर झूठ? अनूप जलोटा ने कहा, हाँ हम 3-4 सालों से एक साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका टीचर हूँ, इसे सिर्फ संगीत सिखाता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कुछ लाइन्स भी कही इसके लिए, दिल मोहब्बत से भर गया है गालिब, अब किसी पर फिदा नहीं होता। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।